हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रतीक। आप देख रहे हैं यूट्यूब पर एक चैनल देख सीन। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ व्हील के चीटिंग के बारे में। व्हील ने हमारे साथ बहुत बड़ी चीटिंग की है और ये तरीका बिल्कुल भी गलत है। अगर ऐसा कुछ था तो हमें पहले बता देना चाहिए था, है कि नहीं दोस्तों? आप लोग के दिमाग में चल रहा होगा क्या चीटिंग की, क्या चीटिंग की। चीटिंग दोस्तों इतनी बड़ी हुई है कि आप ही बताओ, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो पहले बताओ ना। हम बता रहा हूँ कैसी प्रॉब्लम है। मैं व्हील का एक नया पैकेट लाता हूँ, यूज करता हूँ, फिर वो कोड मिला दोस्तों। कोड को मैं वही सिंपल कॉल करते हैं, कॉल करने के बाद लिंक मिलती है, लिंक मिलने के बाद मैं उस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद हम अपने माई जी एप में जाते हैं, वहां से फिर वही सब खुल जाता है और आपको कोड इंटर करने का ऑप्शन ही नहीं मिलता। पहली बार तो दिमाग यहीं से खराब हो जाता है, ऐसा क्यों हो रहा है। मैं फटाफट से कॉल करता हूँ कस्टमर केयर को। तो मैं पहली बार जब कस्टमर केयर को कॉल करता हूँ, कॉल करने के बाद बहुत अच्छे से बात की जाती है, हमसे बहुत अच्छा लगता है। और फिर वो कहते हैं कि आपका सर अपडेट नहीं है, जो ऐप आपने डाउनलोड किया जियो का वो अपडेट नहीं है, उसे अपडेट कर लीजिए। सर आपको बताना चाहूंगी, आपको न्यू जियो जियो ऐप है ना वर्जन, ओके, वो डाउनलोड करना रहेगा। उसके बाद आपको माई जियो ऐप में जाके वहाँ पे जो ऑप्शन है ना एंगेज का, वो ऑप्शन पे क्लिक करना रहेगा। उसके बाद वहाँ पे ऑप्शन आएगा जियो व्हील घर से कैरियर बैनर, ऐसा ऑप्शन आएगा, उससे क्लिक करना रहेगा। ओके, लेकिन हमने तो अपडेटेड वर्जन डाउनलोड किया, अभी डाउनलोड किया प्ले स्टोर से। वापस करिए, ठीक है, वापस कुछ चेंजेज होगा। ओके, उसके बाद व्हील जियो व्हील घर से करियर बैनर का ऑप्शन होगा, उसमें आप जाके रिडीम कर लीजिएगा। ओके भैया, हो सकता है कोई डिफॉल्ट हो गया हो, ठीक है अपडेट करते हैं। थैंक यू, मैं अपना फीडबैक दूंगा। मैंने 5 स्टार में फीडबैक दिया था, मैं इतना पागल हूँ, मैं 5 स्टार में फीडबैक दिया था क्योंकि बात करने का उनका बिहेवियर हमको बहुत पसंद आया था। ठीक है, तो हमने कॉल करने डिस्कनेक्ट करने के बाद फीडबैक दिया कि फीडबैक दोस्तों देना चाहिए, आप भी दिया करिए, जैसे मुझे कमेंट बॉक्स में दिया करिए और जहां पर भी एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप ऐप स्टोर प्ले स्टोर जहां पर डाउनलोड करते हैं वहां फीडबैक दिया करिए। ओके, फिर से मैं ऐप अपडेट करने जाता हूँ तो ऐप ऑलरेडी अपडेट है यार, उसको अपडेट करने की जरूरत नहीं है। मैंने अभी भी तो प्ले स्टोर से कल ही डाउनलोड किया था, क्यों अपडेट करूँ, अब टू डेट है। मैं कहा अरे यार आप क्या फिर से करता हूँ, फिर वही प्रॉब्लम। अब फिर मैंने कस्टमर केयर को कॉल किया, कहते हैं सॉरी सर ये हमसे नहीं, हमारे थ्रू नहीं है, ये उन्हीं के थ्रू, ये उन्हीं का प्रोसेस है, आप वहां से चेक कर सकते हैं और ये इंगेज वाला ऑप्शन पर आप क्लिक करके उनकी सारी डिटेल चेक कर सकते हैं। बताना चाहूंगी ये जो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है सर माई जियो ऐप में, सेल्फ केयर मोड पे ही इजिली अवेलेबल है सर। तो आपसे निवेदन रहेगा आप जो है आप ओपन कीजिए माई जियो ऐप और अधिक जानकारी आपको वहां से ही लेनी होगी सर, हमारे पास अपडेशन नहीं होता है सर। एक बार इंटर होने पर ना, एक बार आपको कोड मिल गया ना, फिर इंगेज पर अगर आप क्लिक करोगे जो व्हील का है घर से करियर उस पे वाला क्लिक करोगे ना, तो आपको बेवकूफ बनाएगा और इतनी बड़ी बड़ी वीडियो दिखाएगा और आपका डेटा खाएगा, आपका डेटा खा जाएगा। जो आपको पर डे मिलता है ना उसका भी डेटा खाता है, वो इतना तेजी से खाएगा, 2 प्रति सेकंड खाएगा। अब सोचो कम से कम वो वीडियो होगी मेरी 30 सेकंड से एवर भी होगी वो वीडियो, और वो वीडियो आपका डाटा खाएगी 100% खाएगी और आपको घंटा कुछ नहीं मिलेगा वहां से। अब दिमाग तो पूरा टोटली खराब। अब क्या करते हैं, व्हील के पीछे दोस्तों आप ध्यान देंगे तो कॉल का नंबर दिया रहता है क्वेरी करने के लिए, 1800 करके 212 शायद ऐसे कुछ नंबर, मुझे याद नहीं, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। ठीक है, इस नंबर पर मैंने कॉल किया, कॉल करने के बाद आपको इतना लंबा होल्ड कराया था, लेकिन मुझे, मैं एक यूट्यूबर हूँ और अपने व्यूवर्स को एक सही जानकारी देना मेरी जिम्मेदारी है, तो मैंने वेट किया और लास्टली बात हो गई। तो वहां पर बात होती है, तो कहते हैं कि ये ऐसा ऐसा कि ये जो कोड है ये सिर्फ एक ही नंबर पर आप एक बार ही इस्तेमाल कर सकते हैं। हेलो प्रतीक जी, होल्ड पे रहने के लिए धन्यवाद जी। प्रतीक जी आपने ऑलरेडी यूज कर लिया है ये सिम, तो एक ही सिम पे एक ही बार यूज होता है, आपको दूसरा सिम लगेगा जियो का। अच्छा ठीक ठीक, तो फिर मतलब क्या वो दोबारा खरीदने के लिए, उस पे भी लिखा है ना पैक पे कि वन जी एक सिम पे होगा। पैक पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया है, नहीं क्या? तो आपके घर में किसी का जियो का सिम होगा उस पे कर लीजिए। अरे तो मतलब आदमी यूज कर रहा है तो उस यूज कर देना चाहिए ना, ये कौन सा नहीं है? वो जियो वाले ने किया है सर, जियो वाले ने ऑफर दिया है, हमने खाले उसका एडवर्टाइज किया है। ओके, आप जियो के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके बता दीजिए। नहीं, उनसे बात किए थे तो वो बोले कि ये आप उन्हीं व्हील वालों से बात करिए, हम लोग का केवल हमें डाटा देना, आपने डाटा हम लोग को दिया गया था, उन्होंने कहा कि आप हो सके अपडेट नहीं किए, तो हमने अपडेट भी किया फिर भी वही प्रॉब्लम आ रही है, मतलब ये तब तो गलत है, ये तो चीटिंग की जा रही है कस्टमर के साथ, की देख बात है। ओके, आपका जो फीडबैक है हम रिलेवेंट टीम से शेयर कर देंगे। ओके ठीक, हिंदुस्तान में कॉल करने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। ओके।
आपका जो जियो का सिम है उस पर कोई भी कोड एक बार अगर आपने इंटर कर दिया तो फिर दोबारा आप लाइफ टाइम में उसमें इंटर नहीं कर सकते। मतलब क्या है, अगर मैं दो चार व्हील की पैकेट का इस्तेमाल कर लूँ या फिर मुझे कहीं से मिल जाए उसका कोड, मैं चाहूँ अपने जियो सिम में इंटर करना तो मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैंने एक बार कर लिया ऑलरेडी। ये कौन सा सिस्टम है, तो फिर फायदा क्या हुआ ये डाटा देने का, ये क्या नियम है, मैं मुझको समझ नहीं आता। ये अगर आपको नहीं देना तो डायरेक्टली मत दो ना। वैसे जैसे कि निर्मा एडवांस में निकालते हैं सब पाउच अलग से, वो दे दो या फिर उसकी प्राइस घटा दो। ये कौन सा सिस्टम, सबके साथ चीटिंग करना, सबको धोखा देना या फिर बहकाना, ये तरीका बिल्कुल गलत है, मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल कस्टमर के साथ चीटिंग किया जा रही है। हाँ मैं मानता हूँ मेड इन चाइना सभी लोग देखेंगे क्योंकि कस्टमर क्या है, सारी बातें नहीं, आप कमेंट बताइए ठीक है जो भी हो, लेकिन आप लोग जो मेंशन करते हो वो दो यार, ये बिल्कुल गलत तरीका है कि किसी को दिखाया जाए, किसी को धोखे में रखा जाए उसके साथ चीट करके, ये बिल्कुल गलत तरीका है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और फिर मैं बात करता हूँ कस्टमर के एक साथ तो कहते हैं सर आप वहाँ से चेक करिए, वो कहते हैं वहाँ से चेक करिए, कुछ नहीं मिलने वाला। एक बार पर केवल आप एक ही बार डाटा यूज कर सकते हैं, उसके बाद आप नहीं यूज कर सकते। आप दूसरे नंबर पर अगर नहीं हुए तो उस कोड का आप उस नंबर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, बस यही नियम है, यही है व्हील का पूरा टोटली क्या कह दूँ यार, हद है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, व्हील ने तो हमारे साथ बिल्कुल चीट कर लिया है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो समझ में आई तो वीडियो फटाफट लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। जिन लोगों के पास एक्स्ट्रा व्हील के पैकेट्स हैं, जिनको लग रहा है मैं डाटा की यूज कर लूँगा, ये ख़त्म हो जाएगा तो मैं यूज कर लूँगा, बहुत खुशियाँ मना रहे हैं, तो उनको बताओ भैया ऐसा नहीं है, आप इसको एक ही बार यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने यूज कर लिया तो आप नहीं यूज कर सकते, कान पकड़ लो, 10 बार उठक बैठक कर लो, क्यों, क्योंकि आप बन गए हो, क्या बन गए हो कमेंट में बता देना। बस मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, हाँ चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।